देश के जो प्रधानमंत्री हैं तथाकथित प्रधानमंत्री, और तो प्रधानमंत्री हैं गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग, तो अब ये देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, एनआरआई हो गए नरेंद्र मोदी। उधर दंडवत कर रहे हैं सब गुजराती लोग, ट्रेडर्स लोग, डायमंड बेचने वाले लोग, होटल चलाने वाले लोगों के बीच में ये दंडवत कर रहे हैं, और टीवी के माध्यम से, खरीदे हुए टीवी के माध्यम से यह प्रचार किया जा रहा है कि डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का विदेशों में, यहाँ हवा निकल रहा है भारत में, हमारे सीमा पर पाकिस्तान रोज गोला मार रहा है, हमारे देश के अंदर लेह और लद्दाख में चीन के सैनिक जब मन में आता मतवाला हाथी की तरफ हमारे जवानों के बंकर को उठा कर फेंक देता, और नरेंद्र मोदी जो बोलते थे कि आंख में आंख नहीं मिलाएगा हमको पाकिस्तान और चीन वगैरह सब, तो ये अहमदाबाद में साबरमती का दर्शन ये करा रहे थे और चीनी सैनिक हमारे छाती पर 5 किलोमीटर के अंदर काला धन की बात इन्होंने की थी कि सब नेता चोर है, कांग्रेसी चोर है, सब चोर है, लालू चोर है, ये सब जाली काम करके, जाली कागज दिखा दिखा करके कि हम 26.5 लाख करोड़ विदेश के खाता में जमा है, एक महीना के अंदर हमको शासन में 2 लाख के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख जमा कर रहे हैं। कहाँ गया पैसा वो, क्यों नहीं लाया? अब ये बदल गए, जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, ये बदल के बोलते हैं कि 2 रुपया है कि 5 रुपया है कि 1 अरब है, कोशिश हम जरूर करेंगे लाने का, बड़ा था कि राम राज कर्जा उतार देंगे, कहाँ गया, हवाबाजी कर रहे हैं। हम तो यही अपील कर रहे हैं कि अब ये सारे चीजों को भुलाने के लिए कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और ये सारा वादा खिलाफी, अब रेलवे को निजी क्षेत्र में जा रहे थे ना, FDI डिफेंस में ला रहा, हमारा डिफेंस में क्या हथियार बन रहा है, विदेशी क्यों रहेगा उसके अंदर, रेल को जहां प्रकाशता तक हम पहुंचाया वो कैसे तुम रेल को दे रहे हो, आएगा बाहर ये हब बना रहा लो, इंडिया को कंज्यूमर मार्केट बना रहे हैं तेजी के साथ नरेंद्र मोदी। ये तो चीन ऐसे पूरा मर्क्यूरी लाइट से लेके पड़ाका से लेके सीरीज बॉल तक सारा टॉर्च से लेके चाकू समूचा सस्ता रेट पर दे रहा, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है इंडिया का, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत से? तब बाहर का सामान भारत में आएगा और हम लोग के पास 2 पैसा वो खरीद के खाएगा और देश हमारा बिल्कुल कंगाली के कगार पर खड़ा करेगा। और ये लोग बोलता भूला देश की जनता, दुर्भाग्य लोग भूल जाते हैं, गंगा की सफाई करेंगे, सारे पूंजीपतियों को नदी बांध करके गंगा का पानी जा रहा है उल्टा, और धारा नहीं है तो गंगा कैसे साफ होगी? बताओ बनारस में जितना राजा महाराजा लोग है बड़ा पैसा वाला, ये रिजर्व कराने जाता है बनारस के, वहां मरेगा तो बैंकुंठ में जाएंगे ऊपर गंगा जी के किनारे, और जो नहीं जल पाता है पोर्शन, उस पोर्शन को बांध करके आ गंगा में डालता है, कौन ग्रंथ में लिखा हुआ बताओ नरेंद्र मोदी, हमेशा बताओ, धोखा दिया है, धोखा हो गया देश की जनता का, महंगाई रुकेंगे, डीजल और पेट्रोल का दाम वर्ल्ड मार्केट से डाउन हुआ तो डाउन हुआ, आप क्या किया? तो ये पूरा जो है सो मीडिया को, कुछ मीडिया को खरीद लिया है, और सिर्फ नमो नमो करता, अब झाड़ू झूठा झाड़ू कचरा फेंक के बहरवा के फोटो खिंचवा रहा तुम लोग के टीवी पर, उसका मंत्री मंत्री लोग का सब लोग, वोट जनता को हम बोल रहे हैं तब देना, अपने गांव में आने देना, कि गांव गांव में बहुत सब गांव में पैखाना शौचालय जो है ना बाल्टी में देहात में चट्टी से घेर के जो लोग बनाए रहता पर्दा के लिए, और उसमें पीलू खजर खजर करता है, RSS का और BJP का मंत्री पैखाना माथा पर उठा के और ले चलेगा 1 किलोमीटर तक, तब